गुड इवनिंग सर। बेटा इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके। अरे यार कुर्सी ना बड़ी अजीब है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। और ओके रिकॉर्डिंग ऑन। स्पॉटलाइट वीडियो ऑन। ओके। हाँ तो बेटा लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे हम लोग, कोई बताएगा मुझे जल्दी जल्दी। टेंशन हो गया था। टेंशन हो गया था। हाँ सर। यस सर। नॉर्मल फोर्स। हाँ सर। नॉर्मल फोर्स हो गया। हाँ सर हो गया। नॉर्मल टेंशन सब हो गया था है ना। हम्म। ओके। स्प्रिंग वाला फोर्स बताया था मैंने। स्प्रिंग वाला फोर्स नहीं सर। तीन नहीं बताए थे। नो सर। ठीक है। स्प्रिंग वाला फोर्स अभी आपको जानने की जरूरत भी नहीं है। जब हम लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे तब बताऊंगा। ठीक है। ओके सर। अभी के लिए फोर्स जो पढ़ रहे हैं उसको खत्म करते हैं जल्दी जल्दी। अरे मैं सर टेंशन तो बट आपकी आवाज नहीं आ रही है। पढ़ रही है। ओके बेटा तो हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे। शुरू किया था कि नहीं। यस सर। यस सर। पढ़ अच्छा थर्ड लॉ खत्म कर लिया होगा सबसे पहले। यस सर। फर्स्ट लॉ खत्म कर लिया होगा। हाँ सर। सेकंड लॉ खत्म नहीं किया होगा शायद कि कर लिया। स्टार्ट ही नहीं हुआ। स्टार्ट ही नहीं हुआ। सेकंड लॉ स्टार्ट नहीं हुआ है ना। हाँ। तो हम लोग शुरू करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये सुप्रतिम माजी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं क्यों। ओके सर टेंशन तो स्ट्रिंग वाला फोर्स ही है ना। हाँ बेटर से टेंशन स्ट्रिंग वाला ही फोर्स है कंफ्यूज ना हो। ठीक है। ओके वापस से एडमिट करो। सर आपने जो बताया स्प्रिंग वाला फोर्स उसका नाम क्या है। बेटा समझो दो फोर्सेस है। एक स्प्रिंग समझो बात को। एक स्प्रिंग के बारे में बात कर रहे थे और मैंने कहा था मैंने स्प्रिंग नहीं बताया है। कंफ्यूज मत हो। सुनने में गड़बड़ हो सकती है। देखो नहीं सर स्प्रिंग का ही बता रहे हैं। स्प्रिंग बताया मैंने। नहीं सर हम पूछ रहे हैं कि उसका असली में नाम क्या होता है। स्प्रिंग का नाम स्प्रिंग ही होता है और क्या। ओके सर। ठीक है। ओके हाँ एक सेकंड लैंप बंद। तो स्ट्रिंग और स्प्रिंग दोनों ही फोर्स होते हैं। देखने हमने स्प्रिंग फोर्स अभी तक नहीं देखा। स्ट्रिंग देख लिया है ना। स्प्रिंग फोर्स हमने अभी तक नहीं देखा है। मैं आज बताऊंगा भी नहीं। मैंने बोला था एक बार हमारा सिलेबस खत्म हो जाए कम से कम ये वाला चैप्टर खत्म हो जाए फिर बता दूंगा। ओके तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आज हमें पढ़ना है। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा न्यूटन फर्स्ट लॉ आखिरकार न्यूटन ने नहीं दिया था किसने दिया था। न्यूटन फर्स्ट लॉ वॉज एक्चुअली गैलीलियो। गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया फॉर्मुलेटेड बाय गैलीलियो। इनर्शिया गैलीलियो। गैलीलियो ठीक है। गैलीलियो का नाम तो जानते ही होगा ना आप लोग। हाँ सर। क्या बनाया था इसने। पेंडुलम। 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 टेलीस्कोप। टेलीस्कोप बनाया था। टेलीग्राम कैसे बना लिया भाई थोड़ा सा सोच के बोलो। उस वक्त तो बिजली नहीं थी। टेलीग्राम कहाँ से बनाते हैं। ठीक है चलो। तो टेलीस्कोप उसने बनाया था। तो गैलीलियो ने क्या किया था किसी को मालूम है। गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट मालूम है। हाँ सर दो इंक्लाइन प्लेन लेके किया था। यस सर। दो इंक्लाइन प्लेन लेके। सर दो इंक्लाइन प्लेन लेके उसके ऊपर एक बॉल। हाँ ठीक है। अब मैं थोड़ा सा मुझे मुझे ये लगता है कि इवन दो यू गाइस नो द एक्सपेरिमेंट नॉट मेनी ऑफ यू विल वुड मतलब ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आएगा कि उसने कहा क्या था आखिरकार। तो इसलिए मैं एक बार उसका एक्सपेरिमेंट अच्छे से बता दूं। उसने दो इंक्लाइन प्लेन लिए। एक इंक्लाइन प्लेन लेट्स से ऐसा है ये थोड़ा टेढ़ा बन गया मुझसे और मान लो कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट टेढ़ा रहना बेटर है। ठीक है। उसने बोला मैं यहां से एक बॉल को ड्रॉप करता हूँ
और दूसरा इंक्लाइन प्लेन मैं यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है। उसने इस बॉल को ड्रॉप किया, यहाँ पे दूसरा इंक्लाइन प्लेन लगा हुआ है, उसने देखा कि जब इस बॉल को उसने रिलीज किया, बॉल नीचे गई, स्पीड पकड़ते हुए आगे बढ़ी, फिर इस इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर चढ़ गई, ठीक है। इस इंक्लाइन प्लेन पे बॉल ऊपर चढ़ गई। उसने ऑब्जर्व किया कि जिस हाइट से बॉल को ड्रॉप किया, सर वीडियो इज नॉट कमिंग, वीडियो इज नॉट कमिंग, नो कमिंग सर, इट्स ओके, इट्स ओके सर, इट इज क्लियर, ओके बेटा, सो डैम बेटा, आप लोग प्लीज अपना वीडियो मत कीजिए ऑन, ठीक है। देखो हो सकता है आपका इंटरनेट कनेक्शन भी ऊपर नीचे हो रहा हो इसलिए नहीं आ रहा हो वीडियो, बट अदरवाइज सब कुछ मेरे ख्याल से ठीक है। आए राम, यहाँ लाइट गई, अभी आ रहा है आवाज की नहीं आ रहा है? ओके चलो बढ़िया है। हाँ मैं कह रहा था उसने बॉल कहाँ से ड्रॉप किया, उसने देखा क्या, बॉल को जिस हाइट से ड्रॉप किया था ना, बॉल वापस से दूसरे इंक्लाइन प्लेन पे सेम हाइट तक पहुंची। ये ऑब्जर्वेशन उसे काफी इंटरेस्टिंग लगा, तो उसने एक अच्छे साइंटिस्ट की तरह एक काम किया, उसने इस दूसरे इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन चेंज किया। उसने बोला मैं एक काम करता हूँ, इस इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन बढ़ा देता हूँ। जब उसने बढ़ा दिया इंक्लिनेशन, तो उसने देखा फिर से जब ड्रॉप किया बॉल को यहाँ से, तो फिर से बॉल सेम हाइट इस पॉइंट तक पहुंची। ये देखकर गैलीलियो बहुत खुश हुआ, उसने थोड़ा इंक्लिनेशन घटा के देखा, तो गैलीलियो ने पाया कि बॉल यहां तक पहुंच गई। ये देखकर गैलीलियो और खुश हुआ, जैसे मोगैंगो खुश होता था। फिर इसके बाद एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट की तरह, ये तो उसने अच्छे साइंटिस्ट की तरह किया, फिर एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट की तरह उसने एक बात कही। क्या कही? उसने कहा कि अगर मैं इस इंक्लाइन प्लेन को टेढ़ा रखने की जगह ऐसे सीधा कर दूं, सीधा कर दूं, एकदम हॉरिजॉन्टल कर दूं, तो क्योंकि बॉल दोबारा से इसी हाइट तक पहुंचना चाहती है, इसलिए उस हाइट तक पहुंचने के लिए ये बॉल इस सीधे हॉरिजॉन्टल प्लेन पर चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, और चलती चली जाएगी तब तक जब तक कि बॉल इस हाइट तक ना पहुंच पाए, मतलब कि अनंत काल तक लगातार ये बॉल चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, विथ सेम स्पीड अलॉन्ग सेम डिरेक्शन। दैट मीन्स अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो बॉडी का मोशन, मतलब बॉडी का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा, बॉडी लगातार मूव करती रहेगी एक ही स्पीड से, एक ही डिरेक्शन, ठीक है। ये गैलीलियो ने बोला था, इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, और यही लॉ न्यूटन ने कहा, पर न्यूटन ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ का यूज किया। न्यूटन ने इसको अपना फर्स्ट लॉ कहा और बोला कि ठीक, उसने कभी ये नहीं बोला कि ये नहीं ये मैंने दिया, उसको पता था ये गैलीलियो ने दे चुका है, बट उसने इस चीज़ पे और आगे वर्क करके इसको काफ़ी डिटेल में बात करी इस पूरे टॉपिक के बारे में, इसलिए हम लोगों ने पूरे थियोलॉजी न्यूटन के नाम कर दिए, ठीक है। तो हमें बढ़ना है अभी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ बेसिक है, उसी का यूज करके न्यूटन फर्स्ट लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ दोनों ड्राइव होते हैं। फर्स्ट लॉ न्यूटन सेकंड लॉ से ऐसे ड्राइव होता है चुटकी में एक लाइन के अंदर, बट थर्ड लॉ को ड्राइव करने के लिए अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्लास 9th में नहीं कर पाएंगे, 11th में करेंगे, ठीक है। तो न्यूटन, हाँ बेटा बोलो सर, ये जो एक्सपेरिमेंट में फ्रिक्शनल फोर्स नहीं था ना सर कि नहीं, उसने यही बात बोली कि देखो यार जब छोटा डिस्टेंस ट्रेवल करना है ना, तो उस छोटे डिस्टेंस के लिए फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है, पर लंबे डिस्टेंस में बॉल रुक इसलिए जाती है क्योंकि फ्रिक्शन होता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्योंकि बॉल यहां तक पहुंचना चाहती थी इसलिए बॉल स्ट्रेट चलती चली जाती,
ठीक है सर, रुकता नहीं कभी प्रूफ किया होगा ना हाँ? क्यों चलती चली जाएगी, ये प्रूफ है समझो बात को। उसने क्या कहा, उसने कहा कि बॉल हर बार सेम हाइट तक पहुंचना चाहती है, ठीक है, पर यहाँ पर तो सेम हाइट तक पहुंचने के लिए इनफिनिट डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ जाएगा, तो कोई बात नहीं बॉल ट्रेवल करेगी अगर कोई बाहर से फोर्स ना लगाता तो। लेकिन क्योंकि बाहर से फोर्स लग रहा है इसलिए हम इस चीज को कभी ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है, समझ में आई बात? देखो यस सर, हमको बात सर हम लोग अगर सुन लो हमको बात करनी है उस केस के बारे में जिस केस में बाहर से कोई फोर्स ना लगे। अब ऐसा केस हम लोग एक्सपेरिमेंटली कभी डिजाइन कर नहीं सकते क्योंकि इम्पॉसिबल है डिजाइन करने के लिए, हमेशा कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स होता ही होता है, ठीक है। तो अब इस चीज को एक्सपेरिमेंटली कैसे एक्सप्लेन किया जाए कि हाँ अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता तो क्या होता, जब हम उस चीज का एक्सपेरिमेंट बना ही नहीं सकते तो हवा में बात कैसे करें कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता तो क्या होता, हमें तो वो बात करनी ना कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता तो ये होता। अरे भाई तो ये तो कभी एक्सपेरिमेंट में अचीव कर नहीं सकते, तो इसीलिए इसको अचीव करने का इनडायरेक्ट तरीका है। क्या तरीका है, हमने छोटे डिस्टेंसेस ट्रेवल कराया, छोटे डिस्टेंसेस में फ्रिक्शन का जो असर है वो कम होगा, और छोटे डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए हमने देखा कि हर बार वॉल सेम हाइट तक जा रही है, इसका मतलब अगर फ्रिक्शन का इफेक्ट निग्लिजिबल है तो बॉल हर बार सेम हाइट तक जाएगी। तो क्यों ना मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर दूं, बॉल अभी भी सेम हाइट तक जाना चाहेगी, मतलब बॉल कभी रुक नहीं पाएगी, बॉल चलती चली जाएगी, इस तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया। अब दिक्कत ठीक है, अभी भी गड़बड़ है सर? एक क्वेश्चन था सर। हाँ बेटा। सर अगर मान लीजिए जो पॉइंट से आप सर वो सेकंड स्लोप बना रहे हैं सर, उस सर उधर में अगर एक परपेंडिकुलर बना देंगे तभी भी सर कैसे बॉल ट्रैवल कर पाएगा सर उतना ही हाइट? देखो समझो बात को, एक्चुअली मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बना, ये आपको सिंपलीफाइड फॉर्म में ऐसा बताया दिखाया जा रहा है, असली में मैंने बोला था ना कर्व बेटर है, क्योंकि मैं असली एक्सपेरिमेंट तक पहुंच गया था, मैंने कर्व बना दिया था, असली में क्या करते हैं ना वो ऐसा करके ऐसा कर्व करके फिर स्टेट करते हैं, ठीक है? हाँ सर। तो अगर आपको ऊपर भी उछालना तो ऐसा करेंगे, ऐसा करके ऐसा कर करके वर्टिकल करेंगे फिर ऊपर करेंगे, पर इसमें एक दूसरी प्रॉब्लम आएगी जो आप अभी नहीं समझ सकते हो, क्लास 11 में समझोगे, ठीक है, सीधे ऐसे और ऐसे नहीं बनाएंगे, ठीक, हल्का कर करके बनाएंगे हमेशा ही, क्योंकि अगर आपने कभी भी हल्का सा भी अगर आपने ये बना दिया तो क्या होगा ना, जब बॉल यहाँ से आएगी इससे टकराएगी, कोलिजन होगा, एनर्जी का लॉस हो जाएगा, बॉल ऊपर नहीं चढ़ेगी उतनी हाइट पर, हमें यहाँ पे स्मूथ ट्रांजिशन देना होगा, अगर स्मूथ ट्रांजिशन दोगे तब ऐसा होता है। ये आप लोगों को यार इतना डिटेल में अगर क्लास 9 से बताने लगे तो परेशान हो जाओगे, इसलिए आप लोगों को शॉर्टकट मारा जाता है आपके साथ और आप उसी में कन्फ्यूज हो जाते हो, ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर, अगर स्लोप को हम जहाँ से बॉल छोड़ा गया वहीं से अगर वैसा ही स्लोप बनाए तो क्या होगा? क्या बेटा? वही सेम हाइट में। क्या? अगर और एक स्लोप बनाए जो वही जहाँ से बॉल छोड़ा गया है वहीं पे और एक स्लोप बनाए तो वे बॉल वैसी हाइट पे पहुंचेगा। हाँ बेटा, सेम हाइट पे जाएगी, ठीक है, मतलब कहने का आप कह रहे हो कि इसकी जगह सर अगर मैं ऐसे कर दूं तब सेम हाइट पे जाएगी क्या? बिल्कुल ऐसे सेम हाइट पे जाएगी, ठीक है, यही पूछ रहे हो ना आप? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने के पहले हमें एक चीज पढ़नी है जिसका नाम है मोमेंटम। क्या नाम है? मोमेंटम। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, या आपके लेवल पर सिर्फ पी लिख दिया जाता है, ऊपर एरो बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मोमेंटम के बारे में हमें चर्चा करनी है। अगर मैं मोमेंटम की डेफिनेशन बोलूं तो मोमेंटम इज नथिंग बट मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेलोसिटी। मतलब कहने का मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट है मास m का जो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम, यही डेफिनेशन है। पर फिर भी क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो आपको मैथ्स के डेफिनेशन पसंद नहीं आते, बट आपको एक चीज बता देता हूँ,
फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी होंगी जिनका हम सिर्फ मैथमेटिकल डेफिनेशन ही देंगे। बहुत बार ऐसा होगा कि हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन मैथमेटिकल ही देंगे, उसके आगे पीछे बात नहीं करेंगे। पर फिर भी क्योंकि आप अभी बच्चे हो, छोटे छोटे मासूम बच्चे हो, आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन उतनी अच्छी नहीं लगती कि ये कैसे डेफिनेशन हुई, इसका मतलब क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूंगा। इसको दो तरीके से समझ सकते हो। मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि उस ऑब्जेक्ट को रोकना कितना मुश्किल है। किसी चीज का मोमेंटम ज्यादा है तो मतलब उसे रोकना मुश्किल है, किसी चीज का मोमेंटम कम है तो उसे रोकना आसान है। या दूसरी भाषा में ये भी समझ सकते हो किसी चीज की वो कितना चोट पहुंचा सकता है कोई ऑब्जेक्ट, ये उसका मोमेंटम डिसाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दो पत्थर हैं, दोनों का मास सेम है, दो पत्थर हैं, दो स्टोन्स हैं, दोनों का मास सेम है। मैं अगर आपको उन दोनों स्टोन से मारूं, एक से धीरे एक से तेज, तो आपको किससे चोट ज्यादा लगेगी? तेज वाले से ज्यादा चोट लगेगी। क्यों? हाँ, क्यों? क्योंकि उसका मोमेंटम ज्यादा है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, उसका मोमेंटम ज्यादा है, इसलिए उससे ज्यादा चोट लगती है। तो मोमेंटम क्या हो गया? चोट पहुंचाने की क्षमता। ठीक है, नाउ इमेजिन दिस सर, अगर दो चीजों का मास और अभी सुन तो लो यार, पूरी कहानी तो सुन लो, अभी तो आधी का 10% कहानी हुई है, सुन तो लो। अब सोचो आप सड़क पे जा रहे हो, आप नहीं जा रहे हो, चलो आपका कोई मित्र जा रहा है, ठीक है, उसको पीछे से आके एक बाइक वाला हिट करता है, उसे चोट लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी। हाँ सर, लगेगी। मैं हाँ सर, लगेगी। आपके दोस्त को एक पत्थर मारता हूँ, पत्थर की स्पीड है 20 meters per second, ठीक है, आपके दोस्त को चोट लगेगी? लगेगी। उसी आदमी को लगेगी, आपके उसी दोस्त को बाइक मार देता हूं, उसी आपके उसी दोस्त को आके बाइक हिट कर देती है विद सेम स्पीड 20 meters per second, उसे चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी। नहीं सर, नहीं लगेगी। भैया ज्यादा जोर की लगेगी, ज्यादा लगेगी, कम लगेगी? ज्यादा लगेगी ना, बाइक ज्यादा लगेगी क्योंकि उसका मास ज्यादा है, उसका मास ज्यादा है, उसका मोमेंटम ज्यादा है। नहीं सर, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, इस वजह से मोमेंटम ज्यादा है, मर जाएगा। ठीक है, अगर उसको बाइक मारने की जगह ट्रक मार दूं तो ऊपर उड़ जाएगा, कोई चांस नहीं, और तेज चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? है ना, चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि ट्रक का मास और ज्यादा के लिए नहीं बचेगा। हाँ बेटा, फालतू बात नहीं, काम की बात सुन लो। क्या मतलब क्या हुआ कि मोमेंटम क्या है? चोट लगाने की क्षमता। ठीक है, जिसके पास ज्यादा मोमेंटम है वो ज्यादा चोट पहुंचा सकता है, या उसको रोकना ज्यादा मुश्किल है। जब पत्थर उसकी तरफ आया, वो अपना एक हाथ आगे देख के उसको रोक सकता था, बाइक आया तो दोनों हाथ लगा के उसको रोक के कूदने की कोशिश कर सकता था, पर अगर ट्रक है तो दोनों हाथ लगा के भी कोई फायदा है क्या? नहीं है ना। तो मतलब क्या हुआ, मोमेंटम क्या है? किसी चीज को रोकना कितना कठिन है, इस चीज का मेजरमेंट। ठीक है सर, अगर मानिए हम लोग मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, तो किसी चीज का मास 5 है और वेलोसिटी 4 है, और सम अपोजिट थिंग का मास 4 है और वेलोसिटी 5 है, तो दोनों का मोमेंटम तो सेम होगा, तो दोनों में सेम फोर्स लगेगा रोकने के लिए। देखो एक सेकंड, मैंने फोर्स के बारे में बात नहीं करी है, मैंने बोला कितना आसान और कितना मुश्किल, मैंने ये नहीं बोला कि इसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा या कम फोर्स लगाना पड़ेगा, ये आप अपने मन से बना रहे हो, ये मिसकंसेप्शन नहीं बना रहे। ठीक है, समझ में आई बात? लेकिन हाँ, अगर एक का मास 4 है, वेलोसिटी 5 है, दूसरे का मास 5 है, वेलोसिटी 4 है, दोनों का मोमेंटम सेम होगा, दोनों को रोकना इक्वली मुश्किल होगा या इक्वली आसान होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, नो सर। अब यहाँ पर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी हमारी डेफिनेशन है। अब इस पे ना एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, तब ये कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है। मेरे पास ये एक क्रिकेट बॉल है जिसका मास है 500 grams। ये बॉल आगे जा रही है 20 meters per second से, एक दीवार से टकराती है।
टकरा कर ये बॉल वापस आ जाती है 10 meters per second से, ठीक है? आपको बताना है चेंज इन मोमेंटम, इस ऑब्जेक्ट का या इस बॉल का चेंज इन मोमेंटम कितना होगा ये बतलाना है, बताइए जल्दी जल्दी। सर इसका यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट बताइए। मास का केजी, केजी का मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है? तो बताइए फटाफट इसका आंसर। ओके सर, 5000 सर, 5 का चेंज होगा, 5 आ रहा है? हाँ सर, 5 क्या केजी मीटर पर सेकंड आ रहा है सबका? हाँ सर, ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है, पूरी तरीके से गलत है। सर मुझे तो कुछ भी नहीं है। देखो सर सेम सेम ईयर, मैंने भी कुछ सर 5 ही आ रहा है, 5 आ रहा है, हाँ गलत है सर, 5 ही तो कुछ और ही आ रहा है सर, 10 केजी मीटर पर सेकंड, मेरा 5 आ सर, 1000 ग्राम, 1000 के 1000 ग्राम को 1 किलो बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? मेरा सर 10 केजी मीटर पर सेकंड, 1 केजी मीटर पर सेकंड, कुछ लोग बोल रहे हैं 10 केजी मीटर पर सेकंड, ये तो सरासर एकदम ही गलत है, मुझे पता भी नहीं कहां तक, 5 केजी पर मीटर सेकंड सर, -5 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, कोई बोल रहा है -5 केजी मीटर पर सेकंड, ये भी गलत है सर, -5 केजी मीटर पर सेकंड गलत है, ये भी माइनस, तो सही कौन सा है बताते हैं। सबसे पहली चीज आपका जो मोमेंटम है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके साथ आपको डील करने के लिए हमेशा साइन कन्वेंशन बनाना होगा। तो मैंने क्या किया, आगे की तरफ प्लस मान लिया, पीछे की तरफ माइनस मान लिया, ठीक है? तो इनिशियल मोमेंटम पॉजिटिव है, फाइनल मोमेंटम नेगेटिव। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि पी इनिशियल इज इक्वल टू मास इंटू 20 मीटर पर सेकेंड, that is equal to 0.5 kg into 20 meter per second, that is equal to 10 kg meter per second. कोई दिक्कत है इसमें? No sir. क्या मैं p final को लिख सकता हूँ? Again mass मतलब 0.5 kg into final velocity कितनी, 10 meter per second? नहीं, into minus 10 meter per second, that is equal to minus 5 kg meter per second. यहां से मैं बोलूंगा चेंज इन मोमेंटम, चेंज का मतलब हमेशा क्या होता है बेटा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू दैट इज इक्वल टू माइनस 15 मीटर पर सेकंड। और देखिए क्योंकि साइन कन्वेंशन हमने असाइन किया है, इसलिए माइनस लिखना जरूरी नहीं है, आपको आंसर क्या देना होगा, 15 केजी मीटर, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, 15 केजी मीटर पर सेकंड इज द, समझ में आई बात? वेक्टर के क्वेश्चंस नहीं करते, ठीक है बेटा? यस सर, बट लास्ट क्या क्यों गया क्या सर, -15 को +15 कैसे हम लोग ने, देखो कि मैंने यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा, क्योंकि देखो प्लस माइनस किसने डिसाइड किया, मैंने डिसाइड किया, क्वेश्चन ने डिसाइड करके नहीं दिया था, है ना? अगर क्वेश्चन ने डिसाइड करके दिया होता तो मेरा ये आंसर होता, अभी भी मैं ये वाला आंसर दे सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माई साइन कन्वेंशन। बट अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन है, उसमें -15 हो सकता है, ऑप्शन में ना हो सिर्फ 15 हो, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने साइन कन्वेंशन नहीं दिया था, वो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखने के लिए बोल रहा है, ठीक है? समझ में आई बात? सब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं, सब्जेक्टिव मैंने लिख के छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या करना पड़ सकता है आपको, -15 की जगह 15 चूज करना पड़ सकता है, क्यों? क्योंकि साइन कन्वेंशन हमने डिसाइड किया, अगर हम लेफ्ट में प्लस और राइट में माइनस लिख लेते तो क्या होता, अपने आप ही -15 की जगह +15 आता,
ना? तो इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा गड़बड़ हो जाती है कि हमें कई बार हमारा जो आंसर आता है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड मार्क करना होता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाऊं सर? साइन कन्वेंशन से तो सिर्फ उसका साइन पे डिपेंड, साइन वेरी करेगा ना, उसका मैग्नीट्यूड तो वेरी नहीं करेगा। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, माइनस 15 की जगह प्लस 15 आ जाएगा अगर मैं इधर प्लस और इधर माइनस कर दूंगा तो। ठीक सर, अगर ऑप्शन में दोनों ऑप्शन ही दिया रहेगा तो कौन वाला ऑप्शन ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा? देखो वही बात है, क्वेश्चन में ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों ऑप्शन दे रखे। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो क्वेश्चन में ऑलरेडी साइन कन्वेंशन मेंशन्ड होगा। ओके सर, तो माइनस 15 ऑप्शन में कभी नहीं होगा, हमेशा सिर्फ 15 ही होगा ऑप्शन। ठीक है बेटा? हाँ सर, ठीक। ओके सर। ओके। तो मोमेंटम मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आप लोगों को। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? चोट लगाने की क्षमता, है ना? क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट क्या होता है बेटा, बताओ तो जल्दी जल्दी। मीटर पर सेकंड। एसआई यूनिट हो जाता है केजी मीटर पर सेकंड, है ना? इसको आप क्या न्यूटन सेकंड लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? न्यूटन सेकंड सोचिए, बताओ। हाँ सर, लिख सकते ना? यस सर। ओके, दूसरा है सीजीएस यूनिट, कोई बता सकता है मेरे को इसकी? सर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। सर इसमें डाइन इनटू सेकंड लिख सकते हैं? हाँ, इसको आप डाइन सेकंड लिख सकते हो। ठीक है चलो। Yes, sir. Yes. Sir, आप ये सेकंड कहाँ से ला रहे हैं? केजी मीटर पर सेकंड से तो शायद वो न्यूटन। देखो बेटा, आपका जो न्यूटन होता है ना, होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है न्यूटन, है ना? हाँ, एक्सीलरेशन। हाँ ठीक है, ठीक है सर, इसलिए यहीं से आया। ठीक है ना, चलो। यूनिट ऑफ फोर्स। तो अब क्योंकि हमें न्यूटन, क्योंकि हमें ये पता है, हम एक एग्जांपल इस पे और करें। अच्छा, आप लोगों को एनर्जी के बारे में कोई आइडिया है? काइनेटिक एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है? हाँ सर, हाफ एम बी स्क्वायर। ओके, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? तो मैं अब एक काम करूंगा, ध्यान दीजिए बेटा, मैं यहां पर एक काम करूंगा, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लिखूंगा। क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, सबको मालूम है। क्या मैं इसको हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय एम लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? हाँ सर, ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m हुआ, है ना? तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास एक नया फॉर्मूला है, पी स्क्वायर बाय 2m। ठीक सर, लास्ट लाइन एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा, क्या मैं इसको हाफ एम वी का होल स्क्वायर बाय एम लिख सकता हूँ? हाँ सर। एम वी क्या है? मोमेंटम। पी क्या हो गया? पी स्क्वायर बाय 2m हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, हाँ सर। हुआ ना? चलो, तो काइनेटिक एनर्जी है आपका पी स्क्वायर बाय 2m। काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से मैं देख रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास, और यहां से मैं देख रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय मास। तो आप मुझे बताओ कि सर काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मास होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, दोनों में से क्या सच है और क्या गलत है?
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास काइनेटिक एनर्जी सर डायरेक्टली होगा क्योंकि डायरेक्टली एमएम काटा जाए ना डिपेंड करता है ध्यान दो अगर मैं लिखता हूं y इज प्रोपोर्शनल टू x तो इसका अगला स्टेप क्या होता है y इज इक्वल टू kx वेयर k इज अ कांस्टेंट है ना वेयर k इज अ कांस्टेंट yes, तो क्योंकि मैं यहां पर काइनेटिक एनर्जी को प्रोपोर्शनल टू m लिख रहा हूं दैट मींस यहां पर m के अलावा जो चीजें हैं वो क्या होनी चाहिए कांस्टेंट होनी चाहिए yes, तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास इफ V is constant, ठीक है? And kinetic energy is proportional to 1 by mass, मतलब kinetic energy is inversely proportional to mass, if P is constant. समझ में आई बात? अगर speed same है, तो kinetic energy mass के directly proportional है, और अगर momentum same है, तो kinetic energy mass के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है समझ में आया अब ध्यान दो प्रोपोर्शनैलिटी का यूज क्या होता है प्रोपोर्शनैलिटी का यूज होता है कंपैरिजन दो अलग अलग सिचुएशंस को कंपेयर करने के काम आता है प्रोपोर्शनैलिटी ठीक है तो जिन दो सिचुएशंस को आप कंपेयर कर रहे हो अगर उन दोनों सिचुएशंस में वेलोसिटी सेम है या स्पीड सेम है तो काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा होगा जिसका मास ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी विल बी प्रोपोर्शनल टू मास पर अगर आप जिन दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो उन दोनों चीजों का मोमेंटम सेम है तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय मास मतलब जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी समझ में आया कि नहीं आया पक्का इसको फटाफट कॉपी कर ले इसके ऊपर एक एग्जांपल कराऊंगा सो डन डन सर डन ओके बेटा आगे बढ़ रहा हूँ अच्छा आप लोग डन के नाम पे क्या खाली प्रिंट स्क्रीन ले लेते हो क्या स्क्रीनशॉट ले लेते हो क्या ऐसा लिखते हैं लिखते हो ना Depends. अच्छा जैसे इसमें बहुत कुछ लिखा था तो हमने स्क्रीनशॉट ले लिया सर चलो तो हम लोग बात कर रहे थे लीनियर मोमेंटम की हम लोग बात कर रहे थे काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनैलिटी की मास से तो इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं एग्जांपल ये है कि अ ट्रक एंड A car are moving with same speed. Which of them has higher kinetic energy? दूसरा एग्जांपल है अ ट्रक एंड अ कार हैव सेम मोमेंटम विच ऑफ देम हैव मोर काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे पहले ट्रक क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है हाँ तो मोमेंटम ऑफ कार इज इक्वल टू मास ऑफ कार इनटू स्पीड एंड मोमेंटम ऑफ ट्रक इज इक्वल टू मास ऑफ ट्रक इनटू स्पीड ठीक है कोई दिक्कत नाउ एज मास ऑफ ट्रक is greater than mass of car momentum of truck sir momentum bol raha hum to kinetic energy compare karna tha na sir kinetic energy hame kinetic energy compare karna tha main momentum compare karne lag gaya
काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है, मैं दोनों का काइनेटिक एनर्जी स्पीड के नाम से लिख रहा हूँ, हाफ टाइम्स मास ऑफ कार इनटू स्पीड ऑफ, स्पीड का स्क्वायर अपॉन हाफ टाइम्स मास ऑफ ट्रक इनटू स्पीड का स्क्वायर, तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ कार अपॉन हाफ से हाफ भी कैंसिल हो गया, मास ऑफ कार अपॉन मास ऑफ ट्रक इज लेस देन 1, दिस इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक, कोई दिक्कत है इसमें, तो ट्रक का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू कार अगर दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं तो, पर अगर दोनों का मोमेंटम सेम है तो देखिए फिर से लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक इज इक्वल टू हाफ मास ऑफ कार इनटू स्पीड ऑफ कार का स्क्वायर अपॉन हाफ मास ऑफ ट्रक इनटू स्पीड ऑफ ट्रक का स्क्वायर। ध्यान दीजिए पिछले वाले इक्वेशन में इस वाले इक्वेशन में मैंने फर्क क्या डाला, मैंने इस इक्वेशन में दोनों का वी सेम था इसलिए दोनों के लिए वी यूज किया, पर यहाँ पे दोनों का वी डिफरेंट होने की वजह से वी कार और वी ट्रक यूज किया, ठीक है, समझ में आई बात, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ कार अपॉन मास ऑफ ट्रक इंटू स्पीड ऑफ कार अपॉन स्पीड ऑफ ट्रक का स्क्वायर, कोई दिक्कत है इसमें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या दिया, एक सेकंड, अब क्वेश्चन में मेंशन है कि बोथ ऑफ देम हैव सेम मोमेंटम, सेम मोमेंटम का मतलब इसकी इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, पी कार इज इक्वल टू पी ट्रक इंप्लाइज मास ऑफ कार इनटू स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू मास ऑफ ट्रक इनटू स्पीड ऑफ ट्रक, ठीक है, दिस इंप्लाइज स्पीड ऑफ कार अपॉन स्पीड ऑफ ट्रक इज इक्वल टू मास ऑफ ट्रक अपॉन मास ऑफ कार, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इस चीज को हम यहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये मेरा इक्वेशन वन था, इसको मैंने यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक इज इक्वल टू मास ऑफ कार बाय मास ऑफ ट्रक इनटू स्पीड ऑफ कार अपॉन स्पीड ऑफ ट्रक इज मास ऑफ ट्रक अपॉन मास ऑफ कार, मास ऑफ ट्रक अपॉन मास ऑफ कार का होल स्क्वायर, दिस इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक इज इक्वल टू क्या हो गया, ये मास ऑफ ट्रक अपॉन मास ऑफ कार। अब ट्रक का मास ज्यादा होता है कि कार का मास ज्यादा होता है, ट्रक का, राइट, तो ये क्या हो गया, वन से बड़ा होगा कि छोटा होगा, ये बड़ा होगा, इसका मतलब क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक, दोनों अलग अलग आंसर आए कि नहीं आए, आप चाहो तो सीधे सीधे पी स्क्वायर बाय टू, हाँ बेटा सर, सेम मोमेंटम दिया हुआ है तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाय टू एम क्यों नहीं कर सकते, यूज कर सकते हैं, बट मैंने उसको इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि आज तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ा है, एग्जाम आते आते आप भूल जाओगे इस फॉर्मूले को, तो जब फॉर्मूला नहीं याद होगा तब कैसे करोगे, वो वाला मेथड मैंने बताया, फॉर्मूले से तो बहुत आसान है क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर लिखा वैसे यहाँ पे पी स्क्वायर बाय टू एम लिख दो, तुरंत कैंसिल हो जाएगा, पी पी आंसर आ जाएगा, ठीक है, आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, मुझे लगा वो पहला फॉर्मूला जो आपने लिखा है वही सब जगह यूज करना कंपलसरी है, नहीं नहीं कंपलसरी नहीं है, अगर याद है तो यूज कर लो, याद नहीं है तो ऐसे करो, ठीक है, मैं वो वाला मेथड बता रहा हूँ जो कि अगर आप फॉर्मूला भूल जाओगे तब भी काम आ जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत हो, दोनों तरीके सही हैं, पर मैं पहला वाला तरीका मैंने नहीं बताया, जो इजियर तरीका मैंने नहीं बताया क्योंकि उसमें एक ऐसा फॉर्मूला यूज हो रहा है जो फॉर्मूला आप कल को भूल सकते हैं, ठीक है बेटा, सर, हाँ बेटा, सर मोमेंटम ऑफ कार इक्वल टू मोमेंटम ऑफ ट्रक के बाद समझा दीजिए ना, देखो
मोमेंटम ऑफ कार और मोमेंटम ऑफ ट्रक अगर इक्वल है, दैट मींस मास ऑफ कार इनटू मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ ट्रक, सॉरी दैट मींस मास ऑफ कार इनटू मास ऑफ ट्रक, क्या बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं कि अगर आपका मोमेंटम ऑफ कार और मोमेंटम ऑफ ट्रक बराबर है, दैट मींस मास ऑफ कार इनटू स्पीड ऑफ कार, मोमेंटम ऑफ कार क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ कार इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ ट्रक, ठीक है। पेज को थोड़ा नीचे कीजिए, नीचे करूं ऊपर, बेटा अगर प्लीज आपके आपके पीछे से बहुत नॉइज आ रहा है, प्लीज अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लो, कुछ लोगों के बैकग्राउंड से काफी आवाज आ रही है। सर आप समझा रहे थे? सर इधर से समझ नहीं आया सर। कौन सा वाला, जो आप लाइन की है ना उसके बाद वाला, के कार्ड में। अच्छा देखो, समझो बात को, क्या हुआ है यहाँ पे, k ऑफ कार अपॉन k ऑफ ट्रक इज इक्वल टू एक्सप्रेशन था ना, इसको मैंने इक्वेशन वन कहा, इसमें वेलोसिटी ऑफ कार अपॉन वेलोसिटी ऑफ ट्रक आ रहा था, मैंने यहाँ पे ट्रक के छोड़ दिया और मैंने मोमेंटम की इक्वेशन लिखी, तो उससे मुझे मिला वेलोसिटी ऑफ कार अपॉन वेलोसिटी ऑफ ट्रक इज इक्वल टू मास ऑफ कार अपॉन मास ऑफ ट्रक, मैंने ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। तो मुझे क्या मिला, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक इज इक्वल टू मास ऑफ कार अपॉन मास ऑफ ट्रक, यहाँ तक तो ठीक ही था, वेलोसिटी ऑफ कार अपॉन वेलोसिटी ऑफ ट्रक के स्क्वायर को मैंने मास ऑफ ट्रक अपॉन मास ऑफ कार के स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, मतलब ये वैल्यू मैंने यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, ये जो चीज़ है ना ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। जब मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे यहाँ पे वी कार अपॉन वी ट्रक का होल स्क्वायर की जगह मास ट्रक अपॉन मास कार का होल स्क्वायर मिल गया। उसके बाद चीज़ें काफ़ी आसान है, एक ट्रक ने एक मास ट्रक ने एक मास ट्रक काट दिया, एक मास कार ने एक मास कार काट दिया, ठीक है, क्या बचा, मास ऑफ ट्रक अपॉन मास ऑफ कार, और क्योंकि ट्रक का मास बड़ा है वन से, कार काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक इज ग्रेटर देन वन आ गया, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक आ गया। सर लास्ट पार्ट दिख नहीं रहा, थोड़ा ऊपर कर दीजिए ना, इसके बाद आसान है, ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, उसके बाद एकदम लल्लू है, ठीक है। ये लोग ड्रॉप क्यों हो जा रहे हैं इतने, सर डन, सर डन डन, ओके डन, ओके तो अब हम आगे चर्चा करेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। सर आप वो फॉर्मूला यूज करके भी एक बार बता दीजिए ना। फॉर्मूला यूज करके बेटा खुद से ट्राई करो, ऐसे थोड़ा ना होता है, खुद से भी तो कुछ करोगे ना, खुद से ट्राई करो, नहीं करो नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में पूछना, बता दूंगा। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि फॉर्मूला यूज करके बहुत आसान होता है चीजें, कुछ दिक्कत ही होती, फॉर्मूले याद नहीं रहते, ठीक है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम फॉर्मूलों से काम हो जाए। इसका मतलब ये नहीं आपको फॉर्मूले याद करने नहीं है, फॉर्मूले याद करने की कोशिश करनी है, बट आपको तैयार रहना है कि अगर गलती से फॉर्मूला भूल जाओ तब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, ठीक है, क्योंकि आप पाओगे कि अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो क्वेश्चन जल्दी होंगे, एग्जाम में टाइम बचेगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें देखना है। न्यूटन अंकल ने कहा कि फोर्स, नेट फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, या नेट फोर्स भी नहीं, नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम, मतलब कि डेल्टा बी वाई डेल्टा टी, ठीक है। क्या कहा, अंग्रेजी में क्या लिखोगे,
The net external force applied on a body is proportional to rate of change of momentum of a body. आपको ये वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं ऊपर, ये मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता बिना वेक्टर के। ये न्यूटन सेकंड लॉ है। क्या कहा? कहा कि मान लो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, ये मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, इसलिए इसका मोमेंटम हो गया मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ f, तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी और इस वजह से मोमेंटम भी चेंज होगा। तो न्यूटन अंकल ने कहा कि जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जो नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इट इज प्रोपोर्शनल टू रेट एट विच मोमेंटम इज बीइंग चेंज्ड, मोमेंटम इज गेटिंग चेंज्ड। ठीक है, जिस रेट से मोमेंटम चेंज होगा उसी रेट, उस रेट के प्रोपोर्शनल होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स। अब देखो अच्छी बात क्या हुई, अच्छी बात यह हुई कि न्यूटन पहला बंदा था जो फोर्स के बारे में बात कर रहा था ठीक से, है ना। न्यूटन पहला बंदा था ना जो फोर्स को बारे में इतने डिटेल में बात कर रहा था, उससे पहले कोई फोर्स को मेजर ही नहीं करता था। तो न्यूटन फोर्स का मेजरमेंट डिराइव कर डिफाइन करने वाला है, न्यूटन फोर्स का यूनिट डिफाइन करने वाला, सब कुछ न्यूटन करने वाला है। इसलिए, और इनफैक्ट न्यूटन मास के बारे में पहली बार बात करेगा, इसलिए उसने यूनिट्स को कुछ ऐसे डिजाइन किया कि इसके अगला स्टेप जो आया, एफ नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, तो ठीक था। उसने यूनिट्स को कुछ ऐसे डिफाइन किया कि के की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, ये क्यों हुआ? क्योंकि पहली बार मास के बारे में, मोमेंटम के बारे में, फोर्स के बारे में बात हो रही थी, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट उसने 1 चूज कर लिया, क्योंकि सबकी यूनिट वो खुद डिफाइन करने वाला था, यूनिट अपने आप एडजस्ट हो जाएगी टू मेक दिस कांस्टेंट 1। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1 हो गया। देखो ये चीज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, इफ सीधे लिख लो, इफ वी टेक द कांस्टेंट टू बी 1 वी विल गेट दिस। ठीक है, बट वो क्यों कर पाए, कांस्टेंट को 1 क्यों ले पाए, इसका कारण ये है कि पहली बार फोर्स, मोमेंटम, मास, इन चीजों के बारे में कोई साइंटिस्ट बात कर रहा था डिटेल में, न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में, लॉस की फॉर्म में। न्यूटन, और न्यूटन का इतना नाम इसलिए नहीं क्योंकि उसने बहुत कॉम्प्लेक्स लॉज ढूंढे थे, न्यूटन का इतना नाम इसलिए है क्योंकि न्यूटन ने पूरी फिजिक्स डिस्कवर की थी। न्यूटन वाज़ द पर्सन जिसने फिजिक्स बनाई है। क्यों? क्योंकि न्यूटन ने बोला कि देखो एक ही लॉ है जो एक छोटी सी बॉल पे भी एप्लीकेबल है और प्लैनेट्स पे भी एप्लीकेबल है, सन पे भी एप्लीकेबल है। ठीक है, He was the first person to write a sentence like all the bodies in this universe. मतलब उसने कितनी बड़ी बात कर दी, सोचो, all the bodies in the universe. ये नहीं कि पानी ऐसे करता है और लोहा ऐसे करता है और बॉल ऐसे चलती है, ये नहीं, उसने बोला all the bodies in the universe, gravitation में बोलेगा all the bodies in the universe apply attraction force on each other, that force is given by this formula. Newton ऐसी बातें किया पहली बार, इसलिए वो इसका इतना नाम है क्योंकि उसने बोला कि अगर कोई law एक छोटी सी गेंद के लिए applicable है तो वो law sun के लिए भी applicable होगा, stars के लिए भी applicable होगा, planets के लिए भी applicable होगा। He discovered physics by doing this, इसलिए उसका इतना नाम है। ठीक है, तो उसने क्या कहा, जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ये एक छोटी सी गेंद पे भी एप्लीकेबल होगा और ये सन पे भी एप्लीकेबल होगा, ये अर्थ पे भी एप्लीकेबल होगा, ये जुपिटर पे भी एप्लीकेबल होगा, ये किसी दूर के स्टार पे भी एप्लीकेबल होगा और ये पूरी गैलेक्सी पर भी एप्लीकेबल होगा। कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ठीक है, फिर ये तो हो गया लॉ। अब इसके बाद हम लोगों ने बोला अच्छा ठीक है, इसमें हमारे काम का चीज क्या है, तो हमने बोला अब मैं एफ नेट एक्सटर्नल को एफ ही लिखूंगा। ठीक है, इस एफ का मतलब ही नेट एक्सटर्नल फोर्स। एफ इज इक्वल टू
rate of change of momentum delta p by delta t. That means it is equal to delta mv by delta t. Okay. Now, therefore, if mass is constant, उसने बोला if mass is constant, उसने ये नहीं बोला कि क्योंकि mass is constant, उसने बोला अगर mass constant है तो, ठीक है? हमें मालूम है कि mass constant होता है, हमें मालूम है कि mass constant होता है, कुछ cases में constant नहीं भी होता है, कुछ cases में mass constant नहीं भी होता है। light के speed में लाइट की स्पीड, अरे बाप रे बड़ी बड़ी बातें करने लगे आइंस्टीन तक पहुंच गए। सर इक्वल टू एमसी स्क्वायर। अरे लाइट की स्पीड में बात नहीं कर रहे यार, वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई, उतनी बड़ी बातें नहीं करते हम, छोटी छोटी बातें करते हैं। मैं रॉकेट के बारे में बात कर रहा हूँ। सोचो रॉकेट के अंदर फ्यूल भरा हुआ है और उसमें उस जब वो फ्यूल जल रहा है तो रॉकेट से बाहर निकलता जा रहा है, तो रॉकेट का मास तो घटता जा रहा है ना अपने आप। हाँ सर, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, छोटी सी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। आप लाइट की स्पीड तक पहुंच गए, ठीक है, समझ में आई बात? हम छोटी छोटी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, हम बड़ी बड़ी चीजों के बारे में बात नहीं करना चाह रहे। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मास कांस्टेंट है, क्या बेटा सुनो, अगर मास कांस्टेंट है देन फोर्स इज इक्वल टू, क्योंकि मास कांस्टेंट है, डेल्टा एम वी सिंपली आप इसको ऐसे लिख सकते हो एम इनटू वी फाइनल माइनस एम इनटू वी इनिशियल। बेटा माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए अगर आपको कोई बात काम की बात नहीं बोलनी तो। सुप्रतिम एम इनटू वी फाइनल माइनस एम इनटू वी इनिशियल अपॉन टाइम या डेल्टा टाइम है ना, दिस इज इक्वल टू एम टाइम्स v final minus v initial by delta t. This implies force is equal to mass into delta v by delta t. That is equal to mass into acceleration. So, यहां से हमें मिला force is equal to mass into acceleration. Force is equal to mass multiplied by acceleration. Sir, where did the delta t go? बेटा डेल्टा वी बाय डेल्टा टी इज एक्सेलरेशन, राइट? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यस सर, यस सर। हां, क्या बोल रहे हो बेटा? कोई और भी शॉट? हां बोलो। स्केलर है ना सर? हां सर, मास तो स्केलर है ना सर? हां, और मास के रिलेटेड सर कुछ है सर जो वेक्टर है सर, मतलब वेट या फिर स्केलर इनटू वेक्टर is equal to vector, ठीक है? हाँ सर, ठीक है सर। ओके, तो force is equal to mass into acceleration, ठीक? force क्या हो गया? mass into acceleration। इसपे क्या बात पता चली हमें? जिस direction में force लगेगा उसी direction में acceleration होगा, उसी direction में velocity में change आएगा, ठीक है? समझ में आई बात? जिधर फोर्स लगाओगे एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में yes, आएगा, वेलोसिटी में चेंज yes, उसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है? तो इसीलिए मैंने कहा था ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में, क्योंकि एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, फोर्स किधर लगेगा? सेंटर की तरफ, और उसको क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन का नाम क्या था? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा? और वहां पे कुछ लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पूछने लगे थे, सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होते हैं, तो मैं अभी भी कुछ दिनों के बाद ही चर्चा करूंगा, आज चर्चा नहीं होगी। तो न्यूटन अंकल की बात हो गई अपनी, डिंग 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 डिंग, ये हो गया पर्सन, ठीक सर। डिस्टेंस इनटू टाइम क्या होता है सर? क्या सर? डिस्टेंस इनटू टाइम? डिस्टेंस इनटू टाइम ये कुछ भी नहीं होता, मतलब कि सर वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ के एरिया में क्या कुछ नहीं निकलेगा? कुछ नहीं होता, ठीक है सर। सर मैंने चार्ट में पढ़ा था सर, एब्सीमेंट बोलते हैं उसको। क्या सर? एब्सीमेंट बोलते हैं बेटा, वो कुछ नहीं होता, फालतू आता है, ठीक है, बकवास है वो, डोंट वरी अबाउट इट।
वो किसी कर्म का फिजिकल क्वांटिटी नहीं, वो इनफैक्ट वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, जबरदस्ती की बातें हैं, इसलिए उन चीजों के बारे में हम बात करके कोई फायदा है नहीं है, उन चीजों के बारे में बात करके हमें कोई फायदा नहीं है, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, सर इस शीट में आपने जो लिखा था मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या बात कर रहे हो, इसमें कुछ समझ नहीं आया? सुनो फिर। नो सर। बेटा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बोलना चाहिए। सुनो, ये लॉ है, क्या है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट है जिसपे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो दिस फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम, ठीक है। फिर क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी है, अगर हम लिखते हैं y इज प्रोपोर्शनल टू x, इसका मतलब y इज इक्वल टू kx, तो यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करके एक कांस्टेंट लगाया k। फिर हमने कहा कि हम कुछ इस तरीके से अपने यूनिट्स को सिलेक्ट करेंगे कि ये कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो जाए। तो अगर कांस्टेंट को 1 ले लें तो हमारा नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा। ये हमारा न्यूटन्स सेकंड लॉ का फाइनल स्टेटमेंट बन गया, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। अब देखो, फिर हम लोग इस स्टेप से मैं यहां तक पहुंचना चाहता हूं, यहां से यहां तक। तो मैंने बोला यार पहले तो बार बार एफ नेट एक्सटर्नल क्यों लिखूं, मैं एफ लिख रहा हूं उसका मतलब ही एफ नेट एक्सटर्नल है, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक। फिर मैंने लिखा मोमेंटम क्या होता है, डेल्टा एम वी। मोमेंटम क्या होता है, एम वी, तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, ठीक है। और क्योंकि मास कांस्टेंट है, मैं डेल्टा एम वी को क्या लिख सकता हूँ, फाइनल। डेल्टा एम वी का मतलब क्या, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम मतलब मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इन दोनों में से मैंने मास कॉमन ले लिया, क्या बचा, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी को मैं डेल्टा वी लिख सकता हूँ, तो ये हो गया मास इनटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। अब डेल्टा वी बाय डेल्टा टी क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये हो गया फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हमारा ये वाला काम का इक्वेशन डिराइव हो गया, ठीक है। कई लोग कह देते हैं नहीं यही न्यूटन सेकंड लॉ है, ये गलत है। न्यूटन सेकंड लॉ असली में क्या है, ये है। और यहाँ से फर्स्ट लॉ ड्राइव करना देखो कितना आसान है, कि अगर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, मतलब पार्टिकल सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। कोई दिक्कत? नो सर। तो सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ तो ऐसे चुटके बजा के आता है, एक चुटकी में खत्म, है ना? यस सर। इसीलिए उसको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कह दिया गया। फिर जबरदस्ती गैलीलियो की जरूरत क्या, अगर न्यूटन सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ एक लाइन में आ रहा है तो जबरदस्ती उसको गैलीलियोज लॉ कहने की जरूरत है क्या, नहीं है ना, ठीक है। अब देखो न्यूटन सेकंड लॉ के कुछ एप्लीकेशन आपकी किताब वाले ही मैं बता देता हूं। अच्छा पहले तो एक न्यूटन और डाइन के बीच में रिलेशन बता चुका हूँ ना, 1 न्यूटन इज इक्वल 10 टू पावर 5 डाइन, बताया कि नहीं बताया, इसको देख लेना एक बार, ठीक है, यूनिट्स को देख लेना। सर अरविंद सर ने बताया, अरविंद सर ने बताया, ठीक है, इसको एक बार यूनिट्स को देख लेना। अब एप्लीकेशन देखो क्या है, क्रिकेट प्लेयर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड्स व्हाइल कैचिंग द बॉल। अगर आप क्रिकेट कभी भी खेले हो, क्रिकेट नहीं भी खेले हो, कोई भी स्पोर्ट्स खेले हो, या आपने कभी गलती से घर में किसी भी चीज को कैच करने की कोशिश करी है, कभी एप्पल खाने का मन हुआ और आपने किसी अपने भाई बंधु से या मम्मी पापा से एप्पल मांगा, उन्होंने आपकी तरफ उछाल लिया, अब उसे कैच करते हो, तो कैच करने में आपका नेचुरल प्रोसेस क्या होता है, ऐसे करके आप हाथ को पीछे लेके जाते हो, राइट, पीछे लेके जाते हो कि नहीं? यस सर। यस सर। क्यों लेके जाते हो, क्योंकि अगर आप पीछे लेके नहीं जाओगे तो आप आपके, मान लो बॉल कैच कर रहा हूं मैं, तो बॉल की वेलोसिटी को या बॉल की मोमेंटम को चेंज होने का टाइम नहीं दोगे। मोमेंटम क्या है, फोर्स क्या है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अगर आपने टाइम नहीं दिया तो फोर्स ज्यादा लगेगा, आपके हाथों पे चोट लग सकती है, कैच छूट सकता है, ठीक है। इसलिए हाथ को
बॉल के साथ पीछे की तरफ मूव करते हैं व्हाइल कैचिंग अ बॉल, ठीक है, टू इंक्रीज द टाइम. नेक्स्ट, अगर कोई बंदा छत से कूद जाए, नीचे फ्लोर सीमेंट का हो या फिर नीचे रेत हो, बताइए किस केस में उसको चोट ज्यादा लगेगी? सीमेंट में गिरेगा तो ज्यादा चोट लगेगी. क्यों? क्योंकि सीमेंट हार्ड है. सीमेंट हार्ड है इसलिए सीमेंट ज्यादा डिफॉर्म नहीं होगा. आप उस अगर उस वो सीमेंट पे गिरता है तो उसकी वेलोसिटी में सडन चेंज आएगा. लेकिन अगर वो सैंड पे गिरता है, अगर वो रेत पे गिरता है तो सैंड डिफॉर्म होगा, उसकी स्पीड को चेंज होने के लिए टाइम मिलेगा, चोट कम लगेगी. यही कारण है कि लॉन्ग जंप में या हाई जंप में जहाँ पर जब एथलीट कूदते हैं तो जहाँ पर कूदते हैं वहाँ पर सैंड रखा होता है. ठीक है. एक और, द व्हीकल्स लाइक कार्स, स्कूटर्स एक्सेट्रा आर फिटेड विद शॉकर्स. अगर शॉकर्स नहीं होंगे तो जैसे ही गड्ढे में गिरोगे वैसे ही चोट लगेगी. लेकिन क्योंकि स्प्रिंग है, स्प्रिंग दबेगा फिर रिलीज होगा. शॉकर मतलब? शॉकर्स नहीं जानते आप? स्प्रिंग लगा होता बेटा गाड़ी के नीचे जिससे कि गाड़ी सडनली बस गड्ढे में गिर ना जाए. अगर गड्ढे में गिरती है, सड़क पर गड्ढे तो होते ही ना, अगर गड्ढे में टायर जाते हैं तो स्प्रिंग दबे, टाइम लगे और आपको झटका कम लगे. ठीक है बेटा. आपने देखा नहीं कभी शॉकर? देखना आगे स्प्रिंग लगा होता है. साइकिल में भी रहता है. साइकिल में भी रहता है. सर वो गोल गोल वाला बाइक्स में. हाँ हाँ वही वही. सर वो राउंड वाला. हाँ काफी. सर मोमेंटम जितना सडन डिक्रीज होगा इंजरी उतनी ज्यादा होगी. जितना सडन मोमेंटम चेंज होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम है. ठीक है. ओके समझ में आया. चोट भी उतना ही लगेगा. चोट भी उतना ही लगेगा. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज स्पेशल केस ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ बता ही चुका हूँ, है ना. तो आपका ये वाला चैप्टर का थ्योरी खत्म हो गया? क्या बात कर रहे हो, इतनी जल्दी नहीं हो सकता, अभी तो बचा हुआ होगा रॉकेट. सर वो कन्वेंशन ऑफ मोमेंटम कुछ है सर? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. हाँ 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 वो आपके सेकंड पार्ट में वही कह रहा हूँ कि कहाँ गया सर. वो भी तो डिराइव हो जाता है सर सेकंड लॉ. वो सब डिराइव हो जाता है बेटा. ठीक है. वो भी सेकंड पार्ट में आपके बुक में वो मैंने देख मैं वही देखा. इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया? अभी तो बहुत कुछ बाकी है. ठीक है. तो ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में करें. ठीक है सर. ठीक है. क्योंकि उसमें अच्छे से अपन लोग उसमें अच्छे से चर्चा करेंगे. रॉकेट वॉकेट सब उड़ाएंगे. ठीक है. क्वेश्चन भी करेंगे कुछ अच्छे जो आपके बुक में नहीं है, उससे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे. ठीक है. तो नेक्स्ट पूरी क्लास लगेगी मेरे को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह पढ़ाने के लिए. और उसके बाद आपका दो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. आपका किसी का यूनिट टेस्ट आ रहा है क्या अभी रिसेंटली? सर हम लोग का 25 है सर. हां सर हम लोग का खत्म होगा. तो यूनिट टेस्ट में ये दो चैप्टर के अलावा ग्रेविटेशन तो नहीं आ रहा किसी का? ना ग्रेविटेशन नहीं आ रहा सर. फ्लोट ग्रेविटेशन नहीं आ रहा होगा तो फ्लोटेशन भी नहीं आ रहा होगा ना? ग्रेविटेशन नहीं आ रहा सर. तो मतलब हम लोग आपके एक सेकंड किसी का भी यूनिट टेस्ट का सिलेबस नहीं बचा ना मतलब? बेटा चलिए अभी के लिए क्लास खत्म करते हैं. नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे. थैंक यू सर. थैंक यू सर. बाय बेटा.